टूट ही जाता है। अरे मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं आपको आपकी मौसी के घर लेकर चली जाती हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं अपना घर दोबारा से बना लूंगी। चुंदनी चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में मौसी के घर की तरफ हो रहा है। ये तो बारिश बहुत ही तेज शुरू हो रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा घर ही इस बारिश से टूट जाए तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भला कहाँ जाऊंगी। चुंदनी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बारिश को देखकर डरने और घबराने लगते हैं। इसी तरह टुंटनी चिड़िया का घर भी किसी खूबसूरत से जंगल में एक टुंटनी नाम की चिड़िया रहती होती थी। टुंटनी चिड़िया के बच्चे भी उसके साथ रहते थे। एक दिन मौसम अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत तेज बारिश शुरू होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बारिश बहुत ही तेज शुरू हो रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरा घर ही इस बारिश से टूट जाए तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भला कहाँ जाऊंगी। टुंटनी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि बारिश को देखकर डरने और घबराने लगते हैं। इसी तरह टुंटनी चिड़िया का घर भी टूट ही जाता है। अरे मेरे बच्चों, परेशान ना हो, मैं आपको आपकी मौसी के घर लेकर चली जाती हूँ। जब बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं अपना घर दोबारा से बना लूंगी। टुंटनी चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को लेकर तेज बारिश में मौसी के घर की तरफ चल ही देती है। काली कवि बहन, दरवाजा खोलिए ना, देखो मेरा घर तो तेज बारिश आने की वजह से टूट गया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। आप दरवाजा खोल दीजिए ना। नहीं, देखो तो सही, इतनी बारिश में हमारे घर आ गई है, अब भला हमारे घर में रहने की जगह है सही। मैं तो किसी को भी अपने घर में रहने नहीं देती हूँ। काली कौवा जी, आपने दरवाजा नहीं खोलना वरना मैंने आपको भी तेज बारिश में बाहर भगा देना है। गोरी कवि बेगम, दरवाजा खोल दो, टुंटनी चिड़िया बहन के छोटे छोटे बच्चे हैं और बारिश की वजह से तो उसका घर भी टूट चुका है, जाएगी तो वो वापस अपने घर को चली जाएंगी, मगर जब तक बारिश है उसको हम अपने घर में रहने देते हैं। बैठ जाओ वरना मैंने आपको भी घर से बाहर निकाल देना है तेज बारिश में, फिर ना कहना। गोरी बेगम देखो तो सही, टुंटनी चिड़िया के पास अनाज भी है। मैं आपको समझा तो रहा हूँ ना, अगर टुंटनी चिड़िया बहन हमारे घर में रहेंगी तो हमें जंगल से अनाज लेने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा और हम घर में बैठकर आराम से अनाज खाएंगे।